उधर पहाड़ों में बढ़ रही लिंटाना की झाड़ियां अब खतरा बनते जा रही हैं और लोगों के मुताबिक इन झाड़ियों में गुलदार आसानी से छुप जाते हैं और जब कोई लिंटाना के झाड़ियों के पास से गुजरता है तो गुलदार उस पर हमला कर देते हैं। रिपोर्ट देखिए। ये झाड़ियां लिंटाना यानी कुरी घास की हैं, जो कभी ईंधन के इस्तेमाल में लाई जाती थी। कई बार इनसे घरेलू इस्तेमाल की चीजें भी बनाई जाती थी, जिनमें टोकरियां, कंडियां और फर्नीचर शामिल हैं। लेकिन अब ये झाड़ियां गांव वालों के लिए खतरा बनती जा रही हैं। ग्रामीणों के मुताबिक इन झाड़ियों में गुलदार आसानी से छिप जाते हैं और जब कोई उनके पास से गुजरता है तो गुलदार उन पर हमला करते हैं। ये लंटाना क्या करता है भाई, देखो पूरे पूरे पहाड़ को सुखा दिया। अपने आप तो जिंदा रहता है लेकिन बाकी शेष घास खत्म हो गई है। लंटाना की घास को न तो पशु खाता है न कोई उपयोग में आती है और ये एक तरह का जंगली वन्य पशुओं के छिपने का एक खूंखार आवास है, जिसमें बाघ से लेकर के और सुअर से लेकर के ऐसे पशु, जंगली पशु छिप जाते हैं कि जो वहाँ के निवासियों के जीवन को खतरे में डाल देते हैं। तो आप इस तरह की नीति को लेकर के चलेंगे तो कैसे काम चलेगा? अरे मनरेगा जैसी स्कीमें हैं, इनमें धीरे धीरे लंटाना को साफ करने की योजना आने चाहिए। असल में लिंटाना की झाड़ियां जहां तेजी से फैलती हैं, वहीं ये पहाड़ों की हरियाली को भी चौपट कर रही हैं। खास बात ये है कि इन झाड़ियों की हरी पत्तियों को जंगली जानवर भी नहीं खाते हैं, जिससे इन्हें किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचता। लेकिन ये जंगली जीवों के छिपने का आसान जरिया बन रही है। लिंटाना की झाड़ियों का पूरे जंगल में होना, इससे दो गुलदारों को दो फायदे होते हैं। एक तो फायदा गुलदारों को ये होता है कि उनको गांव के आसपास ही छिपने की जगह मिलती है, जिसमें वो छिप करके अटैक कर सकते हैं। दूसरा, जो पर्यावरण का नुकसान इससे हुआ है कि जो ग्राउंड फ्लोरा हुआ है, जो अन्य जीवों को जिनका शिकार गुलदार करते थे, उनके लिए घास पतवार जो और जिन पेड़ पौधों को खाते थे, सारे लिंटाना ने उसको ले लिया है। इससे उन जानवरों की संख्या में कमी आई है। ग्रामीणों का कहना है कि तेजी से फैल रही लिंटाना घास मवेशियों के छिपने का आसान जरिया भर नहीं है, बल्कि जहां घास बढ़ रही है वहां जमीन भी बंजर होती जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर पहाड़ पर गांव को बसाए रखना है तो लिंटाना घास का उन्मूलन करना होगा, नहीं तो ना ही ग्रामीण सुरक्षित रहेंगे और ना ही जमीन बच पाएगी। पौड़ी से विनोद कांडपाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7।